यात्रा में अचानक उमड़ पड़ी लाखों लोगों की भीड़, राहुल रह गए दंग, भाजपा में मचा बवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा का आज 38वां दिन है। पदयात्रा आज कर्नाटक के हलाकुंडी से शुरू हुई। पदयात्रा में आज भी कई दिग्गज कांग्रेस नेताओं ने भाग लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस यात्रा में शामिल हुए। इस बीच खड़गे के राहुल के साथ पदयात्रा में शामिल होने के साथ ही गांधी परिवार पर सवाल खड़े हो सकते हैं। राहुल ने अध्यक्ष पद के लिए किसी को भी समर्थन ना देने की बात कही थी, लेकिन अब खड़गे के चुनाव से दो दिन पहले पदयात्रा में शामिल होने से चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल उठ सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में आज कांग्रेस नेता और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी शामिल हुए। गहलोत ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान गहलोत ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए उस पर देश में तनाव हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने राहुल गांधी की कार्यक्रम में तारीफ की और कहा कि राहुल देश में भाईचारा, सभी राज्यों और धर्मों को एक मानने के साथ प्यार मोहब्बत की राजनीति करते हैं। कर्नाटक में अपनी पैठ बनाने के लिए कांग्रेस यहां अलग रणनीति से काम कर रही है। इसके लिए भारत जोड़ो यात्रा को कर्नाटक में 21 दिनों तक जारी रखा जाएगा। कर्नाटक में अगले साल चुनाव भी होने हैं, जिसको देखते हुए कांग्रेस अपना पूरा जोर लगा रही है। इसी के मद्देनजर यात्रा में सोनिया गांधी भी 6 अक्टूबर को शामिल हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा ने 1000 किलोमीटर की अपनी यात्रा पूरी कर ली है। भारत जोड़ो यात्रा ने 30 सितंबर को कर्नाटक में प्रवेश किया था और 21 दिनों में 511 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 20 अक्टूबर को यह यात्रा यहां से दूसरे राज्य जाएगी। बता दें कि यह यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जो कश्मीर तक जाएगी। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।